सर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है मेरी भी लाइफ में जो एक टाइम आने पर वो चीज़ पूरी दुनिया को दिखाने का अपना भी खुद वो है एक वो कि यार इंडिया पूरा जाने समझे वो चीज़। अभी बता तो सकता हूँ सर, ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन ना बताने का रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है सर सिंपल था कि यार मुझे वो चीज़ बतानी इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो चीज़ टाइम पर ना मिले तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना। अगर नहीं आप इसका मतलब आप कायर आदमी हैं, आप डर रहे हैं कायर आदमी, तो बताओ ना मेरे भाई, आज आप बताओ बता हाँ, बताओ आप। मेरा टारगेट क्या था, 2 दिसंबर को मुझे केटीएम लेना था, राइट 2 दिसंबर 2022 को मुझे क्या लेना था, लेना था केटीएम, लेकिन वो केटीएम नहीं आ रही, सबको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना आने का रीजन क्या। कुछ लोग मेरा मजाक बहुत तगड़े वाला बनाने वाले हैं। अमेरिका का एक कोई राष्ट्रपति था जो कई दफा अपनी जिंदगी में अब्राहम हारा था, हारा था 52 साल की उम्र में, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्योंकि उनको पढ़ता भी, उनका पोस्टर भी घर में लगा रखा हूँ, 52 साल की एज में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले वो पता नहीं। अच्छा, आपने केटीएम की बातचीत करी थी दिसंबर में लेने के, नहीं लिया। अब मैं आपको एक बड़ी एक लॉजिकल बात आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि नेटवर्कर चिल्ला चिल्ला बताता है मेरी ऑडी आ रही, जगवार आ रही, बाइक आ रही, केटीएम आ रही, ठीक है। आपने कभी किसी नेटवर्कर को फांसी लगाते या सुसाइड करते देखा है क्या? नो सर, नहीं देखा है ना, क्योंकि अब मैं एक सवाल और करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बंद कमरे में आप जैसा मोटा मोटा चश्मा लगा के IAS PCS की तैयारी करते हैं, नौकरी की करते हैं, वो फांसी पे लटक जाते हैं, जबकि वो कभी किसी को बताए भी नहीं रहते कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ मरना किसको चाहिए, नेटवर्कर को जो चिल्ला चिल्ला बोला है या फिर जो नौकरी की तैयारी बंद कमरे में कर रहा है? मरना सर वैसे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन लॉजिकल एक नेटवर्कर को मरना चाहिए कि वो चिल्ला चिल्ला कर किसी नेटवर्कर को आप बताओ जो फांसी लगा के मरा हुआ। नो सर, आई डोंट नो। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए, तैयारी करने वालों, हर एक साल होता है सर। सर आप जिगर पैदा करो ना सर, चिल्ला के बताओ ना, इस दिसंबर को नहीं हो सकता, 2023 दिसंबर को है नहीं सर। एक्चुअल में केटीएम ना लेने का रीजन क्या है ना, अभी जो केटीएम मुझे चाहिए था, आपको पता हो केटीएम का पूरा आगे वाला सीन ही चेंज हो गया। अच्छा, ये बात। हाँ, तो वहाँ से माइंडसेट हट गया। कोई भी चीज अगर आपके सामने है, ये उंगली तर अगर मैं देख रहा हूँ सामने वाला चीज धुंधला है, अब वो देखूंगा तीयो ये धुंधला है। केटीएम मुझे जब दिख रहा था केटीएम के लिए काम भी हो रहा था, लेकिन जब से वो आगे वाला पोजीशन का हुआ हटा ना, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा मैं एक्चुअल में लूँ क्या। क्या पता हायाबूसा जिंदगी में आने वाली हाँ, हो सकता है सर, या फिर सुजुकी आने वाली हो है? हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं सर, यमहा ले लीजिए। मेरे सीनियर बोलते हैं सर जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा। देखिए ना मेरा भी फेसबुक पेज था लगभग 25 से 30 हज़ार फॉलोवर का, रसिया के हैकर ने मेरा पेज हैक किया और मैं आ गया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उस समय तो मैं डिप्रेशन में था 10-15 दिन के लिए, लेकिन आज लगता है कि गॉड ने, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया, उसने जबरन मेरा पेज हैक करवा दिया, भाग निकल यहाँ से, फालतू क्या काम कर रहा है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये सीन मेरे साथ भी यही है ना। अब अगर घर की कंडीशन बिगड़ी न होती सर तो मैं दिल्ली न जाता, और अगर दिल्ली न जाता तो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलता। लाइफ में अभाव का होना जरूरी है। बिल्कुल सर, जिंदगी में ना कोई भी इंसान अभाव के प्रभाव से पूरी दुनिया बदल सकती है। अभाव प्रभाव स्वभाव। अब बड़ा एनर्जेटिक इंसान है आप, बातचीत तो करने में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा आपके अंदर स्किल है, आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ईश्वर से कामना है कि आप अपने जीवन में इसी राम जन्मभूमि से पूरे दुनिया में इतिहास बनाएं। केटीएम क्या सर, आप लैम्बोर्गिनी लाएं, हायाबूसा लाएं, BMW लाएं, ये सब लाएं अपनी जिंदगी में, सिर्फ अपनी जिंदगी में क्यों, आप अपने साथ चमकते चेहरों की भी जिंदगी बदलें, है ना सर? बिल्कुल सर। तो आप